Hello, and I welcome you all to the Topic Study YouTube channel. देखिए, इसमें एक नया पार्ट ऐड हो रहा है. इसमें हम डेली करंट अफेयर्स, मतलब डेली के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सबसे डिस्कस किया करेंगे. एज़ वी ऑल नो, करंट अफेयर्स हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो करंट अफेयर्स, आप एग्ज़ाम्स की बात ले लो या ऐसे भी दुनिया में क्या चल रहा है, अगर हम उस चीज़ों को जाने तो बहुत अच्छी बात है. बट हाँ, इसमें जो मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी वो MCQ के फॉर्म में होंगे. एंड ये मैं उतने रखूँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी है. राइट, देखिए, इसमें मैंने 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, ये तीनों का मैसअप करके आज के लेशन को क्रिएट किया है. एंड विच इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. ये क्वेश्चंस यहाँ इंग्लिश में रहेंगे एंड मैं बट एक एक बीट उसे हिंदी में डिफाइन कर दिया करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, जिनका नाम है प्रणय कुमार, ये अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकायुक्त इन मेघालय. ये हमारा पहला अपॉइंटमेंट हो गया. नाउ देखिए, इंडिया जो है वो फिर से रीएलेक्ट हुआ है मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल का, जो कि जिसके कॉन्फ्रेंस जो हुआ है 2018 का, वो हुआ है दुबई UAE में. बस हमें इतना ही ध्यान रखना है और नहीं. नाउ समय गुडिका ये विजेता हुए हैं, एक ब्रेक थ्रो जूनियर चैलेंज हुई थी, जो कि साइंस वीडियो कॉम्पिटिशन्स होती है. ठीक है, साइंस वीडियो कंपटीशन की ये ग्लोबली होती है. तो इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके विजेता जो हुए हैं वो, उनका नाम है समय गुडिका. तो बस ये चीज़ें थी, कुछ सिंपल से अपॉइंटमेंट्स हमें ऐसे करके हमें ध्यान रख लेनी है. नाउ द नेक्स्ट, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. गड्डम धर्मेंद्र ये अपॉइंट हो गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. अगर इसमें बात की जाए तो ये देखिए, इसमें यही बोला जा रहा है कि हमारी इंडिया की तरफ से जो ईरान के लिए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है गड्डम धर्मेंद्र. ये हो गई चीज़ें. नाउ आरबीआई के द्वारा एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की उन्होंने एक स्टेप को स्टार्ट किया है. उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है. इसमें होगा क्या कि मान लीजिए जितने भी लोन बोरोवर है ना, उनकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ आराम से मिल जाएगी. वो कैप्चर कर लेगा लोन इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल और कॉरपोरेट बोरोवर का. तो ये इनकी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के थ्रू में ये सारी चीज़ें हैं, ये इनिशिएटिव RBI ने लिया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट में. इसमें है कि अनुपम खेर, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, अनुपम खेर को फेलो अवार्ड से नवाजा गया है. ये आपको ध्यान रखना है. अगर आपको कभी कहीं एग्जाम में दिखा जाए कि फेलो अवार्ड इस बार का किसे दिया गया है, देन अनुपम खेर इसके ऑप्शन होंगे. एंड द लास्ट वन, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ये AR रहमान के जीवनी पे एक बुक आई है, ठीक है, जिसे लिखा है कृष्णा त्रिलोक इसके राइटर है. और ये AR रहमान पे है. बुक एंड ऑथर्स का अगर क्वेश्चंस आए तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AR रहमान बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है एज वी नो, ठीक है. ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन है. तो इनके ऊपर एक बुक आई है, इनकी जो बायोग्राफी हुई है उसका नाम है नोट्स ऑफ ए ड्रीम. याद रखिएगा, नोट्स ऑफ ए ड्रीम. तो ये तो हो गई AR रहमान पे जो बुक आई है वो. एंड ये कृष्णा त्रिलोक के द्वारा लिखी गई है, ये लॉन्च्ड हुई है. देखिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. ऑटोबायोग्राफी होता है कि जब हमारी जीवनी पे हम ही कुछ लिखते हैं, ठीक है. एंड बायोग्राफी होता है जब हमारी जीवनी पे कोई दूसरा व्यक्ति उसे लिखता है, दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी. ये दो चीज़ें हो गई. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना MCQ फॉर्मेट. देखिए, इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे एंड हम इसे MCQ के फॉर्म में इसे याद कर लिया करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे कि हाँ ये चीज़ें हुई है. तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है थ्री मेंबर की एक पैनल गठित की गई है फॉर्म टू एड्रेस फार्मर इशूड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. देखिए, तीन मेंबर्स की एक पैनल गठित की गई है जिसका एम क्या है, जिसका उद्देश्य ये है कि फार्मर से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं, उन्हें जितनी भी कठिनाई होती है, उन सबको वो एड्रेस करेंगे, ठीक है, उस पर वो ध्यान रखेंगे. ये किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? योर ऑप्शन इज ए उड़ीसा. उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये तीन मेंबर की पैनल गठित की है ताकि किसानों की क्या कहते हैं सुविधाओं पे ध्यान दिया जा सके. राइट, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय अनाउंस्ड स्टेट्स फ्लैगशिप एक्वा कल्चर मिशन एम्ड एट कटिंग डाउन फिश इंपोर्ट्स इनटू द हिल स्टेट नोन एज. देखिए, मेघालय के द्वारा
मेघालय राज्य के द्वारा उनके द्वारा एक फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया गया, एक फ्लैगशिप मिशन कह सकते हैं हम, एक्वा कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एक्वाटिक से रिलेटेड, जिसका ध्यान जैसे वहाँ जो फिश होती हैं उनके इम्पोर्ट्स को लेकर, जो हील स्टेट में उन्हें इम्पोर्ट करना है एंड ऑल, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक्वाटिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा मेघालय ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, एक मिशन को, ताकि वो उस पर ध्यान रख सकें, उन चीज़ों को वो संरक्षित कर पाएँ। तो इस मिशन का क्या नाम है, ये मेघालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसका नाम है एक्वा मिशन, राइट, एक्वा मिशन। तो देखिए हमारा ऑप्शन हो गया ए, एक्वा मिशन। अगर हमसे बात की जाए, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि मान लीजिए कि ये बोला जा रहा है कि एक्वा कल्चर जो मिशन है वो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये मेघालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है और उनके मिशन का क्या नाम है, एक्वा मिशन। योर ऑप्शन इज ए एक्वा मिशन, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि ये जो एक्वा कल्चर मिशन स्टार्ट किया गया है उस मिशन का क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू हाउ मच परसेंटेज इन अक्टूबर 2018। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उनके द्वारा अक्टूबर 2018 तक की रिपोर्ट निकाली गई है कि बेरोजगारी की संख्या भारत में कितनी है। तो बेरोजगारी की संख्या भारत में अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत 69.9% है, ठीक है, योर ऑप्शन इज ए 6.9%। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंटर इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद होम टू सपोर्ट एफर्ट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अ वर्ल्ड विद जीरो हंगर। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उनकी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्राम उन्होंने अपना जारी किया है। लाइक ये समझ लीजिए कि सतत विकास पर वो ध्यान देना चाहते हैं और उसका एम ये है कि वो भारत पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है, ये इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके साथ और एक कंपनी कौन है पार्टनरशिप में, तो योर ऑप्शन इज ए अलीबाबा, ठीक है, योर ऑप्शन इज ए अलीबाबा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप किए हुए, तो योर ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट नटवर प्रभाकर पंचीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ थिएटर। देखिए अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इस शख्स को नटवर प्रभाकर पंचीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि उनका अच्छा योगदान है लिटरेचर के फील्ड में। ये आपका क्वेश्चन है। इनके नाम है जयंत सावरकर, योर ऑप्शन इज ए जयंत सावरकर। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखिए इन्हें तो मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नटवर्य प्रभाकर पंचीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संगीताचार्य अन्ना साहेब किलोस्कर लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनका नाम है विनायक थोराट। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें दोनों महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, इन दोनों को अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो विनायक थोराट को संगीताचार्य अन्ना साहेब किलोस्कर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एंड अगर बात की जाए कि नटवर प्रभाकर पंचीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके जयंत सावरकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथमेटिशियन एंड सुपर 30 फाउंडर वॉज अवॉर्डेड ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड इज नेम इज। देखिए ये महान मैथमेटिशियन भी है एंड सुपर 30 फाउंडर के हैं, मतलब सुपर 30 के फाउंडर भी है, एज वी ऑल नो सुपर 30, ठीक है। तो इन्हें ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया है। इनका क्या नाम है, इनका नाम है आनंद कुमार, ये महान टीचर है, ठीक है, यही है ना सुपर 30 के फाउंडर भी। सो योर ऑप्शन इज ए, बस इसमें ध्यान ये रखनी है कि आनंद कुमार को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च एन ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल फॉर प्रमोटिंग वुमेन फार्मर्स एंड एंटरप्रीनियर्स नोन एज। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वो करेगी क्या, जितनी भी महिला किसान है ना उन्हें और भी ज़्यादा प्रमोट करेंगी आगे बढ़ने के लिए, तो उसका क्या नाम है। इसका नाम है, इस जो ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल का नाम है महिलाएं हाथ। योर ऑप्शन इज ए महिलाएं हाथ। योर नहीं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन,
इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी वॉज ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन. देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हमने अभी अभी एक इंटरनेशनल डे रेडियोलॉजी पे सेलिब्रेट किया गया है, वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया है. ये हमने कब सेलिब्रेट किया गया है, किया है ये है 8 नवंबर. हमने 8 नवंबर को रेडियोलॉजी डे सेलिब्रेट किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी. योर ऑप्शन इज ए 8 नवंबर. एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब अगर 8 नवंबर को हमने रेडियोलॉजी डे याद रख लिया, अब 7 नवंबर को भी हमने कैंसर डे सेलिब्रेट किया था. देखिए ये नेशनल में नेशनली सेलिब्रेट होता है एनुअली, तो ये नेशनल कैंसर डे हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हर साल सेलिब्रेट करते हैं. कब? 7 नवंबर को. तो ये हो गए. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रीनेम्ड विच सिटी एज अयोध्या. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है. तो योर ऑप्शन इज ए फैजाबाद, राइट. तो किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है, आपके ऑप्शन होगा ए फैजाबाद. देखिए फैजाबाद जो शहर है ना, उसका नाम योगी जी ने बदलकर अयोध्या कर दिया है. योर ऑप्शन इज ए फैजाबाद. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अयोध्या राम जी का जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस शहर का नाम बदलकर योगी जी ने अयोध्या कर दिया है. योर ऑप्शन इज ए फैजाबाद, ठीक है. फैजाबाद का नाम अब अयोध्या नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च द टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड सिटीजन फ्रेंडली मो बस सर्विस इन भुवनेश्वर स्टेट. देखिए इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा एक मो बस नाम की बस ट्रांसपोर्ट की सुविधा लॉन्च की गई है. मो बस, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ड्राइविन है, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी से भरपूर है, और सिटीजन फ्रेंडली है, मतलब नागरिकों के साथ, मतलब आराम से आप उसमें कम्फर्टेबल हो सकते हो. ये मो बस के बारे में मैं थोड़ी बात कहूँ तो देखिए इसमें कैमरे दिए हुए हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरेज है, इवन फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया गया है, ठीक है. ये मो बस, ये बोला जा रहा है कि ये सर्विस जो है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है. भुवनेश्वर किस राज्य में है, तो एज वी नो भुवनेश्वर जो है हमारी वो उड़ीसा में है, ठीक है. योर ऑप्शन इज ए उड़ीसा. बात इसमें ये ध्यान रखिए कि मो बस, मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो, पहली चीज़ तो ये है नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है. सेकेंड चीज़ मो बस, मतलब मो मतलब उड़िया में मो को बोलते हैं मेरा, मतलब मेरा बस, ठीक है. तो ये सुविधा जो है वो उड़ीसा में स्टार्ट की गई है, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में. ये चीज़ें हो गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन द वार्म एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डेट. इसमें भी यही बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल डे, ठीक है, इंटरनेशनल डे जो प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट के लिए हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो किस डेट को हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है. योर ऑप्शन इज ए 6 नवंबर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इनॉग्रेटेड द आइकॉनिक सिग्नेचर ब्रिज एट विच सिटी. देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस शहर में किया गया है. तो योर ऑप्शन इज ए दिल्ली. दिल्ली में अभी अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनॉग्रेट कर दिया है, किसे, सिग्नेचर ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है. तो ये हमें ध्यान रखना है. योर ऑप्शन इज ए, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है. ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत दिनों से इस पर बात हो रही थी, फाइनली ये बनकर तैयार हो गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन विच कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो एट द नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन शंघाई. अगर आपको पता हो कि शंघाई कहाँ है उससे भी आप आंसर दे सकते हो. एनीवेज देखिए, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, किस कंट्री की पहली इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो हुई है, ठीक है, तो जो कि ये शंघाई में हुई है. ये क्वेश्चन में यही चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना, चाइना, चाइना का पहली बार इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि शंघाई में है. और शंघाई कहाँ है, चाइना में है. योर ऑप्शन इज ए चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जर्नलिस्ट है ये और हिंदू ग्रुप के पब्लिकेशंस के चेयरमैन हैं. हिंदू ग्रुप के जो पब्लिकेशन चेयरमैन हैं, इन्हें राजा राम मोहन रॉय अवार्ड जो है इनसे, इनके लिए इन्हें अनाउंस किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है, मैंने चुना गया है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है. इनका क्या नाम है, ठीक है, क्वेश्चन में यही बात हो रही है. सिंपल सी बात है, देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि राजा राम मोहन रॉय के लिए किस पर्सनैलिटी को, किस व्यक्ति को चुना गया है. योर ऑप्शन इज ए एन राम. योर ऑप्शन इज ए एन राम, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया को ऑथर्ड बाय करुण्या केशव एंड बाय हुम.
देखिए इस क्वेश्चन में द फायर बर्न्स ब्लू अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। देखिए इंडिया की जो क्रिकेट की जो महिला टीम है ना, महिला क्रिकेट टीम है जो वुमेन्स क्रिकेट टीम, उनकी जीवनी मतलब पहले कैसी थी क्रिकेट को, क्रिकेट में ये चीज़ें द फायर बर्न्स ब्लू में सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, अगर ये बुक का नाम है, अगर बुक और ऑथर से ये क्वेश्चन है, ये बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इंडिया की जितनी भी वुमेन्स क्रिकेट है उनके बारे में इस बुक में दे रखा है। तो इसे को ऑथर किया गया है करुणा केशव और एक किस व्यक्ति के द्वारा, ये आपका क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना है सिद्धांत पाठक। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो हमारी इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उन पर कौन सी बुक आई है, तो नाम याद रखना है द फायर बर्न्स ब्लू, योर ऑप्शन इज, मतलब मैं नाम बता रही हूँ, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें पूछा जा रहा था कि ये को ऑथर किसके द्वारा किया गया है, तो पहले हो गए आपके करुणा केशव एंड सेकेंड वन इज सिद्धांत पाठक, योर ऑप्शन इज ए राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ प्लानिंग टू रिज्यूम एक्सपोर्टिंग रॉ शुगर टू विच नेशन फ्रॉम अर्ली 2019। देखिए इंडिया प्लान कर रहा है वो जो रॉ शुगर होती है ना चीनी, उसको वो एक्सपोर्ट करने की जल्दी प्लान कर रहा है किस देश को, योर ऑप्शन इज ए चाइना। याद रखना है कि इंडिया जो प्लान कर रहा है कि वो एक्सपोर्ट करेगा रॉ शुगर मतलब चीनी जो होती है वो चाइना को करने वाला है। ठीक है, तो योर ऑप्शन इज ए। नाउ द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव फंड्स वर्थ ऑफ 25,000 फॉर गर्ल्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस राज्य ने ये मंजूरी दे दी है कि उस राज्य की अगर जो लड़की है वो पूरी पढ़ाई करके मान लो ग्रेजुएट हो जाती है तो उसे 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ये है बिहार की सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, योर ऑप्शन इज ए बिहार। नेक्स्ट, जी हाँ इसमें बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। देखिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी, इसके लिए इसे मंजूरी दे दी मिल चुका है कैबिनेट के द्वारा, तो ये किस राज्य में बनने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में बनने वाली है, योर ऑप्शन इज ए आंध्र प्रदेश राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ। इस क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि किस सिटी, किस शहर ने जो WHO का पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है एयर पॉल्यूशन और हेल्थ को लेकर, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है जेनेवा में, योर ऑप्शन इज ए जेनेवा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये WHO का पहला कॉन्फ्रेंस था जिसे जेनेवा ने होस्ट किया है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल IT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबल्स 2018। देखिए डिजेबिलिटी, ठीक है, मतलब जो भी डिजेबल है, डिजेबिलिटी को लेकर यूथ में, उसके लिए एक IT चैलेंज ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो किस सिटी ने होस्ट की थी, योर ऑप्शन इज ए न्यू दिल्ली। एक बात बता दूं, देखिए हमारे इंडिया में कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस होते हैं ना और अगर आपके ऑप्शन में न्यू दिल्ली है तो ऐसे 90% चांस होता है कि न्यू दिल्ली आपका आंसर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कभी आपका आंसर ना भी आता हो तो आप दिल्ली को टिक कर सकते हो, बट बाय अ रिस्क, मैं 100% नहीं कह रही हूँ, बट हाँ ऐसी प्रायोरिटी होती है, मैक्सिमम टाइम सारी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ही होती है। तो इसका भी जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो IT चैलेंज हुई है यूथ डिसेबिलिटी को लेकर 2018 का, ये कहाँ हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, योर ऑप्शन इज ए न्यू दिल्ली। नाउ द नेक्स्ट वन, वेस्ट स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 18 फाउंडेशन डे ऑन November 9। देखिए 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 18वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपना 18वां फाउंडेशन डे जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया है, योर ऑप्शन इज ए उत्तराखंड। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए इसमें मैं क्या करूँगी, पर डे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसे आपको अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।